फेवरेट। बूम बाम ब्रूटल मार देना यार। ये पावर क्या होती है रॉबिन भाई, एक बार बता दो यार। स्काउट को विश कर दो, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। मेरे अराउंड किसी जगह पे आ जाए तो क्या मेरा मुंह बंद हो जाएगा? स्काउट को विश कर दो। स्काउट को कैसे विश करूं मैं? स्काउट तो ग्राउंड ग्राइंडिंग ना, वो तो ग्राइंड कर रहा है अभी तो। स्काउट बेचारा हमारी तरह पहले ही बाहर हो गया था। हाँ अच्छा, टीएक्स की साइड से बोल, टीएक्स की साइड से कांग्रेचुलेशन। नहीं हंसो मत, इसमें हंसने की बात नहीं है। मैं बस इसलिए बोला, तुमने कांग्रेचुलेशन बोला ना, मैंने कहा कि जब प्लेइंग में अगर उसका मन होगा, अगर क्योंकि आजकल मैं देखा है हूं कि ही वांट्स टू प्ले एंड प्रूव, तो मैं उस वे में उसको बोला, तो मैं इसलिए उसको टीएक्स में लागा तागा उसका नहीं रखा, इसलिए मैं उसके पर्सनल वे पे बोला। वी विल अप्रिशिएट व्हेनेवर ही विल डू गुड, वी विल अप्रिशिएट, वी आर देयर टू अप्रिशिएट इफ समथिंग गुड हैपेंस। भाई हमारी टीम में एक बंदा खेल रहा है आइजन, लोग बोल रहे हैं उसने कुछ गलत किया। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपके। डे वन हमने अलाउ नहीं किया था खेलना क्योंकि इसका हैंडकैम का सीन नहीं हो पा रहा था, तो डे टू हमने प्रॉपर ऐसे बिठाकर उसको पूरा एंगल पे मैनेजमेंट को टैग किया कि अब ट्राइपॉड लेकर आ गया, वो इस एंगल से खेलेगा। एक होता है ये टीम, फिर एक आती है ये टीम, सो कॉल्ड टी वन प्लेयर हमारे रॉबिन भाई। बूम बाल बूम बाम ब्रूटल मार देना। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, जुगाड़ लगा के विदाउट एंटी चीट आना, देखते हैं एंगल, रेडी रहना पावर के साथ। यार ये पावर क्या होती है रॉबिन भाई, एक बार बता दो यार, क्योंकि हम तो हैंडकैम करा रहे हैं अपने बंदे से। एक बार इधर दिखा, रॉबिन भाई ने कमेंट कर रखा है एक वीडियो पर, तो पहले दिखा देता हूँ। रॉबिन भाई अपने ठीक है कमेंट कर रहे हैं, एक फ्रैगर, ये टॉप फ्रैगर लिस्ट है, डायमंड बोलते। ये सब हैकर्स आगे कैसे आ रहे हैं, या उनमें ऐसे इतने गट्स कैसे आ रहे हैं कि वो इतना आगे तक खेल पाते हैं, या उनको इतना आगे तक खेलने दिया जाता है, उनके आधार आईडीज लगते हैं रजिस्टर होने के लिए, इतना आगे कैसे आते हैं वो? पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, वो क्यों करते हैं और क्यों आते हैं? उसका जो मेरा दिमाग चलता है, मेरा दिमाग चलता है जो, वो ये है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो नए नए हैकर्स उठ के आके इतने बड़े बड़े गट्स रख के आगे आ रहे हैं, इनमें वो गट्स पता है कहां से आ रहे हैं? जो मेरा मानना है, तुम बताना प्लस वन या नहीं, मेरा मानना ये है कि जो पुराने हैकर्स पुराने हैक कर करके आगे ऊपर आके जब हम रंडी रोना किया करते थे कि भाई ये प्लेयर्स हैकर्स हैं, तब रुक जाओ, वो प्लेयर्स जब वो हैक कर करके ऊपर आके आज बड़ी बड़ी T1 ऑर्क्स में खेल रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी सैलरीज मिल रही होंगी, उनको बड़ा बड़ा नाम मिल रहा होगा, है ना, जब वो लोग इतना पाथ क्रॉस करके अगर T1 में आज अपने आप को साफ चिट्ठे वाला बोलते हैं, बहुत मल्टीपल, मतलब मैं बहुत सारी टीम्स को, मतलब ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें होती हैं प्लेयर्स में आपस में, तो कितनी सारी टीम्स हैं या कितनी बड़ी बड़ी टीम T1 टीम्स हैं जिनमें हैकर सेटल होके बैठे, तो मेरा मानना ये है कि ये प्लेयर्स वहां से मोटिवेट हो रहे हैं कि टॉप पे नहीं बट कहीं तो पहुंच जाएंगे, है ना टॉप पे नहीं तो कहीं तो सेटल हो जाएंगे। तो अगर पुराने टाइम में इतने सारे हैकर्स या हैकर्स को सपोर्ट करने वाले या हैकर्स को आगे लेके आने वाले लोग अभी तक बचे हुए हैं, तभी तो सब गांडवर आ रहे हैं ना। अगर क्राफ्टन पहले दिन से ही ठोस इनको बैन दिया करता तो आज किसी में गट्स कैसे आते, आगे बढ़ने के, है ना। आज अगर एक अननोन, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि आज अगर कोई किसी को तुम दबा पा रहे हो तब तो प्रोटेस्ट चालू हो गए। जब हम अपने टाइम में, जब हमारी गांड फट रही थी, मैंने पर्सनली, हमने गिव अप क्यों किया इस चीजों पे बोलने में, क्योंकि इसका कोई सलूशन ही नहीं निकाल के दे रहा था। जब हमारी फट रही थी, जब हमारी बांट रहे थे हैकर्स, जब हमारे हमें डाउनफॉल फेस करने पड़े ऐसे लोगों की वजह से, तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट हुए, है ना, तब क्यों नहीं ये चीजें हुई? तो भाई सब लोग, पूरा सिस्टम ही मिला, पूरा सिस्टम ही करप्ट है, इसलिए नए लोग सीखते हैं, है ना। तो पहले सिस्टम को सही करना पड़ेगा, फिर हम लोग नए लोगों को रोक पाए। हम लोग बहुत तंग हैं इन्हीं हैकरों की टीम की वजह से, हो सकता है हमारे भी किसी किस कई मैचों में बहुत पॉइंट कम आए। और एक चीज और, जिन बंदों का करियर ही हैक करके आगे बना है, या जो बंदे करियर से ही आगे, करियर में ही आगे ऐसे आए हैं, तो मैं तो नहीं मानता कि वो दोबारा हैक नहीं करते हो। मैं तो ये भी मानता हूं कि उनको जब जरूरत पड़ती होगी वो हैक कर लेते होंगे, क्योंकि जितना बैकएंड में मुझे नॉलेज है, जो पुराने हैकर्स भी सेटल होके बैठे हैं, जो नए वाले हैकर्स भी हैं, इनका कहीं ना कहीं आपस में ये बैकएंड पे लिंक्ड है। जिन हैकरों के लिए आज हम खिलाफ खड़े हो रहे हैं, कल को जाके हो सकता है वो मेरे अराउंड किसी T1 टीम में आ जाएं, या मेरे अराउंड किसी जगह पे आ जाएं, तो क्या मेरा मुंह बंद हो जाएगा? इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर एवरीवन। तो क्या मेरा मुंह बंद हो जाता है तब, है ना। आज 10 आ रहे हैं, देखो पहले 10 आए, आज 50 आएंगे, कल को 100 आएंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि उसका कोई सलूशन ही नहीं निकाला जा रहा, ना ही निकाला गया था। निकाला जाता तो आज शायद अपने को ये दिन देखने ना पड़ते, आज शायद तुम लोगों को प्रोटेस्ट करने ना पड़ते, ठीक है, अब एंजॉय करो। बट मुझे इतना पता है बहुत टीम्स में, नॉट किसी वन स्पेसिफिक टीम, नॉट किसी वन सिंगल टीम, बहुत सारे ऐसे पास्ट के प्लेयर हैं
जो आज बहुत मोटी मोटी सैलरीज खा रहे हैं। तो कांग्रेचुलेशंस टू द सिस्टम भाई, भाई पंक को पंप कर दो। हाँ यार कांग्रेचुलेशंस टू देम आल्सो, उन्होंने भी काफी मैच अच्छे निकाले। और कांग्रेचुलेशंस टू ओवेस आल्सो, एक और ओजी दोबारा प्रूव करता हुआ कि एक्सपीरियंस मैटर्स। तो मतलब वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दीज थ्री टीम्स। गॉडलाइक का थोड़ा आई फेल्ट के प्रेशर आ गया उनपे लास्ट के मैचेस में, एंड टीएक्स वालों का मुझे लगता है कि उनको ये चीज का एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि लास्ट जब हम खेले थे तब भी हम लोग थोड़ा प्रेशर ले गए थे, वो लोग उसी प्रेशर को एलिमिनेट करके आगे आ गए। और इसी बार भी मुझे यही फील हुआ कि वो प्रेशर जो वो लोग नहीं लेते या नहीं लिए होंगे, मुझे नहीं पता अंदर का सिचुएशन क्या होगा, हो सकता है लिए भी, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा प्रेशर की वजह से चीजें लेफ्ट राइट हुई। और भाई इन कंटेंट क्रिएटर्स की आयरनी देखो, इन्हीं का फैन बेस अगर इन्हीं की किसी चीज के भाई जो सपोर्ट कर रहा है तुमको थ्रू आउट द जर्नी, अगर उसको कोई चीज गलत लगी या कुछ उसको पूछना है इनके क्रिएटर से, ठीक है, तो वो पूछते हैं या कुछ कुछ भी स्ट्रीम पे लिखते हैं भाई ये ऐसा क्यों हुआ, ये गलत क्यों हुआ। तो मुझे अभी भी एक स्ट्रीमर की वर्डिंग याद है, उसकी ये वर्डिंग थी कि भाई तुम कुछ भी बोलो, तुम कुछ भी सोचो, मेरे को झांटा फर्क नहीं पड़ता, मुझको झांटा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस चूतिए से बात पूछना चाहता हूँ कि फिर अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए लाइव कर रहा है जब तुझे लोगों के ओपिनियन और इन सबसे फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब क्या चूतिया मतलब क्रिएटर्स हैं कुछ और के, सपोर्ट दे रही है ऑडियंस तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वही ऑडियंस अगर भाई 10 चीजों के लिए तारीफ कर रही है तो एक दो चीज के लिए अगर कुछ बोल रही है तो इनमें इतनी एटलीस्ट तमीज होनी चाहिए कि वो उस चीज को उस हिसाब से टैकल करें। ये ना नंबर्स ने ना बहुत सिर पे चढ़ा दिया। इधर मेरे को टैग वैक किया है क्या, मेरा नाम कहाँ लिया है यहाँ पे, मेरे अगेंस्ट कहाँ कुछ बोला है, सिर्फ रैंडम बोला है, मेरा नाम वाम कहाँ लिया है इसमें, मतलब दिख तो नहीं रहा कि मेरा नाम लिया है, कॉन्टेक्स्ट पता नहीं कॉन्टेक्स्ट। यार देखो पॉइंट ये है कि अब सीन में इतनी गलत चीजें चल रही है कि किसी हैकर की बातें हम लोग सुन रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइवलरीज बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब इट हैज कम टू सच अ लो पॉइंट इन द इंडियन BGMI सीन वेयर फैंस आर नाउ साइडिंग विथ लिसनिंग टू प्रमोटिंग शेयरिंग टॉकिंग अबाउट समबडी हु वॉज बैंड जस्ट बिकॉज वो लोग की राइवलरी है किसी और के साथ। मतलब इंडियन BGMI सीन अपना प्रोफेशनल सीन इतना भी नीचे चला गया है कि राइवलरी मेंटेन करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। कुछ कुछ चीजों में ना राइवलरीज को साइड में रखना चाहिए कंसिडरिंग सम टॉपिक्स। इतना बस मेरे को रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, बाकी देखो तुम लोग के ऊपर है तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है, क्या चलता है तुम्हारा, तुमको क्या रखना है वो तुम्हारे ऊपर है। मेरा बस पॉइंट ये है कि रिगार्डिंग सम टॉपिक्स यू नीड टू बी यूनाइटेड एंड यू नीड टू कीप असाइड योर राइवलरीज। जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने बात की तो एक इंटरनेशनल ऑर्ग के बारे में बात की थी जो थोड़ा सा उनका एजेंडा इंडिया के अगेंस्ट था या जो भी था, तभी अपनी ऑडियंस साथ में आ गई थी। 100K वॉचिंग ऑन जूसी स्ट्रीम, अबे 100 आए, 1000 आए, 1200 आए, यू कांट चेंज द फैक्ट कि वो ऑफिशियल इवेंट का मोस्ट पॉपुलर प्लेयर का अवार्ड जीत चुका है। अभी वो अवार्ड उससे वापस नहीं लेंगे पता है ना, तो जलाते रहो अपनी, जलाते रहो, ऐसे धुआं आता रहेगा क्या फर्क पड़ेगा, गाना सुनो एंजॉय करो। विल नॉट चेंज द फैक्ट की लाइन पे मोस्ट पॉपुलर अवार्ड क्या था, वो मोस्ट पॉपुलर नाम क्या था उसका, फैन फेवरेट लेके गया तुम लोग के सामने, ऐसे उधर ही बैठे थे तुम लोग सबके सामने, चार कितने वॉचिंग कितनी थी, 5 लाख, 5 लाख लोग के सामने फैन फेवरेट लेके गया, वापस नहीं ले, चेंज थोड़ी होगा फैन फेवरेट। भाई एक मैं बात बताओ तुम लोग को, एक जेन्युइन बात बता दूंगा, मैं इंसल्टिंग में नहीं बोल रहा एज फैंस तुम लोग को सब समझा रहा हूँ मैं, एंड सोल फैंस अगर आई होप यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे तो मैं उनको भी बता रहा हूँ, जिंदगी में सोल फैंस मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे ऑर्ग के फैंस हो, सोल को मैं अपना मानता हूँ, तुम अगर मेरे ऑर्ग के फैंस हो तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जिंदगी भर कोई भी इवेंट आए हम लोग अच्छा खेले बुरा खेले, प्लीज कभी भी ये मत होने देना टीम सोल के साथ कि तुम लोग एज फैंस ज्यादा कंसर्न्ड हो कि फैन फेवरेट कौन जीता रैदर देन अपना टीम हारा। जिंदगी में ये कभी होने मत देना, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिंदगी में कभी ये चीज होने मत देना एज फैंस कि तुम लोग एज फैंस इस चीज से इतना टाइम तक ज्यादा कंसर्न्ड हो कि फैन फेवरेट एक वोटिंग वाला अवार्ड कौन जीता रैदर देन बीइंग सैड एंड एंग्री एंड डिप्रेस्ड अबाउट योर टीम नॉट विनिंग एन ऑफिशियल इवेंट। तो ये प्रॉमिस करना बस मेरे को, मां कसम बता रहा हूं मैं, बाकी किसी को कुछ तोड़ नहीं रहा, मरोड़ नहीं रहा, मैं किसी को कुछ इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं बस सोल फैंस को बोल रहा हूं